7.1 हमें ऊतकों के बारे में कैसे पता चला। 1799 में मॉरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचट ने मनुष्यों के शरीर में रोग ग्रसित क्षेत्रों की आंतरिक संरचना से संबंधित अवलोकनों के दौरान आपस में गुथी हुई संरचनाओं के लिए टिश्यू यानी ऊतक का नाम दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में इनके बारे में विस्तृत विवरण भी दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिचट ने ऊतकों के अध्ययन में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया था। उनका अध्ययन मुख्य रूप से जंतु ऊतकों पर आधारित था। उन्होंने पहले तो ऊतकों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा था। पहला, वे ऊतक जो रेशे के समान थे उन्हें फाइबर्स कहा। दूसरा, वे ऊतक जो तरल पानी के जैसे थे उन्हें सीरस कहा। तीसरा, कुछ ऊतक चिपचिपे थे उसे म्यूकस कहा। उन्होंने इनके और उपसमूह बनाए जिनमें 21 अन्य ऊतकों का विवरण मिलता है। आज के समय में प्रयोग में आने वाले सारे जंतु ऊतकों का नामकरण एवं विवरण बिचट के विवरण से काफी मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि बिचट ही ऊतकों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इनसे लगभग एक शताब्दी पूर्व वैज्ञानिकों ने पौधों व जंतु ऊतकों को देखा और उनका विवरण अलग अलग शब्दावली में उनकी सतह की बनावट संरचना व कार्यों के आधार पर किया था। इनमें से एक वैज्ञानिक नेहमिया ग्रीव 1641 से 1712 थे। इन्होंने मुख्य रूप से दो निष्कर्ष प्रतिपादित किए। इनके अनुसार प्रत्येक पौधे में दो प्रकार के जैविक भाग होते हैं, पहला पिथी मज्जा, दूसरा वुडी काष्ठीय। ग्रीव ही हैं वे वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाली नर्म स्पंजी और द्रव से भरी कोशिकाओं को पेरेन्काइमा कहा। श्लीडेन व श्वान 1838 ने भी इस दिशा में अध्ययन किए जो कि ग्रीव के अध्ययन से मिलते जुलते थे। इन्होंने पक्षी के पंख की आड़ी काट में वैसी ही कोशिकाओं को देखा जैसा ग्रीव ने पौधों की कोशिकाओं में देखा था। श्लीडेन व श्वान ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि शिशु भेड़ के पेट की आंतरिक सतह के ऊतक पेरेन्काइमा से पूरी तरह मिलते हैं। ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाले एक अन्य वैज्ञानिक नगेली थे। ये वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने फॉर्मेटिव एवं स्टेबल ऊतकों की संकल्पना दी। इन्होंने फॉर्मेटिव ऊतकों को तेजी से वृद्धि करने वाले ऊतक या मेरिस्मेटिक नाम दिया। इन्होंने सावधानी पूर्वक अवलोकन किया और पाया कि पौधों की जड़ों व तने के शीर्ष भाग एवं जंतुओं में रक्त व त्वचा में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इसके साथ ही नगेली ने पौधों में नलिका के जैसे ऊतकों को जो कि पानी खनिज और भोजन का संवहन करते हैं इन्हें क्रमशः जाइलम और फ्लोएम नाम दिया। ऊतकों के इस समूहीकरण में उन्होंने भोजन व पानी के संवहन की दिशा को आधार माना। नगेली की तरह श्लीडेन और श्वान ने भी तेजी से वृद्धि करते हुए ऊतकों को देखा और पाया कि इन ऊतकों की कोशिकाएं छोटी केंद्रक बड़े और स्पष्ट थे। कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम थी। जैसे जैसे कोशिकाएं परिपक्व होती गई ये कोशिकाएं आकार में बड़ी, केंद्रक छोटा, पर्याप्त कोशिका द्रव्य और इनकी कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति मोटी होती गई।
इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अलग अलग समय में वैज्ञानिकों ने ऊतकों में कोशिकाओं की व्यवस्था को देखा। ऊतकों की संरचना एवं कार्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। सभी ने ऊतकों को विस्तार से समझने के लिए उनके व्यवस्था और कार्यों को आधार बनाया। साथ ही सभी वैज्ञानिकों ने ऊतकों को पौधों और जंतुओं दोनों का अध्ययन किया। उन्होंने पौधों व जंतुओं दोनों के ऊतकों में समानता और असमानता को जानने का प्रयास किया। हमारे शरीर में कुछ ऊतक ऐसे हैं जो पौधों के ऊतकों से समानता रखते हैं। ये समानता इतनी अधिक होती है कि अनुभवी वैज्ञानिक भी इनमें अंतर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सामान्यतः जंतु ऊतक परिपक्व पादप कोशिकाओं की तुलना में अधिक कोमल होते हैं। पौधों एवं जंतु दोनों के ऊतकों में कोशिकाओं की व्यवस्था और उनके कार्यों में समानता के आधार पर ही श्लीडन व श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं? हम भी यदि पौधों व जंतुओं के ऊतकों का गहराई से अवलोकन करें तो पाएंगे कि पौधों में संवहन का कार्य करने वाले और सहारा देने वाले अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, जबकि जंतुओं में प्रायः ये ऊतक जीवित होते हैं। आमतौर पर पौधों के ऊतकों में विभाजित होने वाले और विभाजित नहीं होने वाले क्षेत्र में हम आसानी से अंतर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विभाजित क्षेत्रों की कोशिकाएं छोटी व पतली भित्ति वाली होती हैं, जबकि अविभाजित क्षेत्रों की कोशिकाएं बड़ी और मोटी भित्ति वाली होती हैं। जंतुओं के ऊतकों में इस तरह का अंतर कर पाना मुश्किल है।